सो हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे सो दिस इज़ वीडियो नंबर एलेवन ऑफ रिएक्ट और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा रिएक्ट के अंदर स्टेट क्या है स्टेट क्या है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा मैं प्रॉप्स ऑलरेडी बता चुका हूँ और कभी कभी प्रॉप्स और स्टेट सेम लगता है तो कुछ ऐसे मैं आपको डिफ्रेंसिस बताने वाला हूँ जो आप स्टेट और प्रॉप्स को देख के समझ पाओगे क्या मतलब है प्रॉप्स का और क्या है स्टेट का ठीक है लास्ट वीडियो आई थिंक काफ़ी आपके लिए फ़्रूटफुल रहा होगा आपने समझा क्या होता है प्रॉप्स और आई थिंक कहीं भूलोगे नहीं अब ठीक है और थैंक यू सो मच गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा दूसरा चैनल टेक्निकल सुनेजा वॉरियर्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको हर सैटरडे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता रहेगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा ठीक है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो चलिए गाइज़ बात करते हैं स्टेट की ये डेमो जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था जब हमने पढ़ा प्रॉप्स अब हम करते हैं स्टेट के बारे में बात तो गाइज ये कुछ तीन चार पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए अभी मैं स्टेट बताऊंगा तो ये तीन चार पॉइंट लिखे गए हैं ताकि आप देखते ही समझ जाओ प्रॉप्स गेट पास टू द कॉम्पोनेंट राइट हम प्रॉप्स बनाते हैं और फिर उसे अपने कॉम्पोनेंट में रिसीव करते हैं फिर अब वो क्या करता है कॉम्पोनेंट वो एसटीमएल को रिटर्न करता है यही देखा हमने प्रॉप्स आर इमूटेबल राइट आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते अगर आपकी वैल्यू प्रॉप्स डॉट नेम विपिन आ रही है आकाश आ रही है और आपने ऊपर डिफाइन कर दिया प्रॉप्स डॉट नेम अजय तो वो वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी अगर एक बार डिफाइन हो गई तो फंक्शनल कॉम्पोनेंट के अंदर प्रॉप्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं प्रॉप्स डॉट नेम प्रॉप्स डॉट जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी इनकेस ऑफ क्लास कॉम्पोनेंट वी यूज दिस की वर्ड दिस डॉट प्रॉप डॉट नेम मेक श्योर ध्यान रखिएगा ठीक है और स्टेट क्या है गाइज स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट जो होती है वो मैनेज होती है विद इन अ कॉम्पोनेंट ठीक है हम स्टेट को सेट भी करवा सकते हैं और स्टेट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे उस पर कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं सर समझ नहीं आया डोंट वरी अभी एग्जाम्पल दूंगा समझ आ जाएगा और जब से गाइज रिएक्ट uh, में हुक्स आए हैं तो अब फंक्शनल कॉम्पोनेंट के अंदर भी हुक्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि यूज स्टेट जो आप अभी देख रहे हो जो मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा सो यस वी कैन यूज़ स्टेट इन फंक्शनल कॉम्पोनेंट एज वेल और क्लास कॉम्पोनेंट में वी यूज दिस डॉट स्टेट अगर आपको स्टेट ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो यो आपको क्या करना होगा इसलिए दिस डॉट स्टेट यूज करना होगा ठीक है चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कोड पे तो अभी हमारे पास क्या है हमारे पास क्लास कॉम्पोनेंट भी है फंक्शनल कॉम्पोनेंट भी बट मैं तो यहाँ पे एक फ्रेश कॉम्पोनेंट क्रिएट करता हूँ ठीक है तो यहाँ चलते हैं कॉम्पोनेंट के अंदर और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं देता हूँ चैनल ठीक है ठीक है आपने नाम दिया है सर अभी आप देखिएगा तो यहाँ पे हमने दिया चैनल डॉट जे एस तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है इसे कॉपी कर लेते हैं और मॉडिफाई कर लेंगे इसको तो यहां मैं क्या करता हूँ चैनल दे देता हूँ और यहाँ पे चैनल हो गया और यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो हमारे चैनल का नाम दे देते हैं यहाँ पे टेक्निकल टेक्निकल सुनेजा ठीक है तो यहाँ पे हमने धीरे टेक्निकल सुनी ये मेरे कॉम्पोनेंट का नाम हो गया और यही हम एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम इसे एप डॉट में यूज कर पाए तो यहां पे सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम दे देते हैं क्या नाम था चैनल ठीक है और यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं ठीक है गाइस तो चैनल डॉट हो गया है हमने यूज करना है अब हमें कैसे यूज करेंगे सिंपल आपको पता है अब तो आई थिंक आप देख देख के सीख ही गए हो तो यहां मैं करने वाला हूं चैनल ठीक है तो यहाँ पे आ गया टेक्निकल सुनेजा ठीक है एक और मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसको और मीनिंगफुल बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ आए टेक्निकल सुनेजा यूट्यूब चैनल ठीक है तो ये पूरा हमारा चैनल का लिंक आ गया है टेक्निकल सुनेजा यूट्यूब चैनल अब हम क्या करेंगे कि खेलेंगे स्टेट के साथ तो गाइस स्टेट मैंने आपको बताया अगर आपको स्टेट बनानी है तो आपको क्या करना होगा दिस डॉट स्टेट यूज करना होगा तो यहां पे हम एक क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर ठीक है कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा होगा नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कंस्ट्रक्टर इज यूज टू एलोकेट मेमरी टू द ऑब्जेक्ट राइट और जब भी आपका ये कॉम्पोनेंट चलेगा तो सबसे पहले फंक्शन चलेगा आपका कंस्ट्रक्टर ठीक है तो यहां पे हम क्या करेंगे सुपर कीवर्ड मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं चाहता हूँ जो मेरा पेरेंट है जो रैक डॉट कॉम्पोनेंट है उसका कंस्ट्रक्टर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ और यहाँ पे अब मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेट बनाऊँगा ठीक है हाँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस हमने चैनल जो हमारा कॉम्पोनेंट है उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया सुपर कीवर्ड की हेल्प से जो कि है रैक डॉट कॉम्पोनेंट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है स्टेट बनाना है मतलब स्टेट क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे दिस डॉट स्टेट राइट दैट्स इट आपका ये स्टेट ऑब्जेक्ट बन गया है और मैंने आपको बताया था अभी स्टेट विद इन अ कॉम्पोनेट एक्सेस होता है सर कैन वी चेंज स्टेट ऑब्जेक्ट वैल्यू यस वी कैन चेंज बिकॉज इन केस ऑफ प्रॉप्स प्रॉप्स इम्यूटेबल होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है बट दिस डॉट स्टेट का मतलब यहाँ पे जो भी आप वैल्यू दोगे वो आप चेंज कर पाओगे अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है तो ये जो मैंने मैसेज दिया है गाय इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ मैं देता हूं सिंपल मैसेज uh, दे देते हैं यहाँ पे तो मेरा मैसेज है जो मैंने यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे गाइज हमने क्या किया हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और दिस डॉट स्टेट आपने दिस डॉट स्टेट यूज किया अब आप चाहते हो जो भी वो कॉम्पोनेंट क्लास है जो आपने एक्सटेंड कर रखा है इनहेरिट कर रखा है अपने कॉम्पोनेट के अंदर कुछ फीचर्स वहाँ के भी एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल हमने अपनी स्टेट बनाने के लिए दिस डॉट स्टेट यूज़ किया और यहाँ पे मैसेज दे दिया ठीक है अब मुझे ये एम एस जी एक्सेस करना है यहाँ पे तो क्या करेंगे गाइस सिंपल है डिस् डॉट स्टेट डॉट और एम एस जी लिख दूंगा मैं यहाँ पे तो जैसे ही मैं ये काम करूँगा और चलूंगा अपने पेज पे तो यहाँ पे टेक्निकल सीजा चैनल अब स्टेट की हेल्प से आ रहा है पहले हमने नॉर्मल लिख दिया था हार्ड कोड किया था अब हमने क्या किया एक स्टेट क्रिएट करी अब वो यहाँ पे एक्सेस हो रहा है सर आप आप ये बताओ वैल्यू कैसे चेंज होगी स्टेट की आप ये चीज़ बताओ येस yes. अब मैं आपको वो बताता हूँ वो चीज़ कैसे होगी तो यहाँ हम एक बटन क्रिएट करते हैं सब्सक्राइब का तो टेक्निकल सुनेजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ना तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना होगा अब आप आपको पता है गा जो आपका रिएक्ट है ना वो एक ही एस्टिमेट एलिमेंट रिटर्न करता है उसके अंदर आपके पास चाहे मल्टीपल एलिमेंट हो तो यहाँ पे रिटर्न किया कि इसमें आपको क्या करना होगा यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंपल ये चीज़ करेंगे ताकि हम मल्टीपल का सपोर्ट मतलब मल्टीपल एलिमेंट यूज कर पाए तो इसके इसके अंदर डाल देते हैं बट अभी भी ये वर्क नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक बटन क्रिएट करूँ तो ये मुझे एरर देगा तो आपको इसको एक डिव में डालना ये अंदर फिर आप चाहे कितने भी एलिमेंट हो ठीक है तो यहाँ मैं करता हूँ ये चीज़ बटन बना दिया हमने और यहां हम देते हैं सब्सक्राइब जैसे आप YouTube में देखते हो ना तो अब हम यहाँ पे अपना हम, हम बना रहे हैं सब्सक्राइब तो यहाँ पे बटन हमने बना लिया बट एरर आ रहा है तो इसको आपको डालना होगा एक डिव के अंदर ताकि रिएक्ट को समझ आ जाए कि मुझे खाली एक ही डिव रिटर्न करना है ये गाइज रिएक्ट का रूल है आपको ध्यान रखना होगा देखिए एरर चला गया इसमें आप कितने भी आप एच एलिमेंट दो डिव एक ही होना चाहिए ठीक है सेव कर लिया हमने और अब चले ब्राउजर पर एक बार तो यहाँ पे बटन आ गया सब्सक्राइब का टेक्निकल सुविधा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है तो आप बटन पे प्रेस करेंगे तो क्या मैसेज आना चाहिए थैंक्स फॉर सब्सक्राइब इस तरीके से आना चाहिए राइट अब यहाँ पे इतना काम हमारा हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे गाइज हमने स्टेट ऑब्जेक्ट से वैल्यू दे दी वो यहाँ पे आ रही है अब उस वैल्यू को चेंज करेंगे जैसे प्रॉप्स में आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते बट स्टेट में आप कर सकते हो विद इन अ कॉम्पोनेंट तो मैं यहाँ क्या करता हूँ इसी बटन पर ऑन क्लिक करते हैं जैसे इस पर क्लिक करें तो कुछ इवेंट हो कि बटन पे क्लिक करो तो कुछ इवेंट हो तो आपको क्या करना होगा इवेंट लिसनर यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना होगा जो सुनेगा जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे राइट तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इक्वल टू देते हैं और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ इस तरीके से आप पे हम क्या करते हैं फंक्शन बनाते हैं तो वैसे मैं फंक्शन ऐसे बना सकता हूँ आपको पता है मैंने बहुत बार बनाया है इस तरीके से बट मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा एरो ऑपरेटर तो इस फंक्शन को हटा दो और लगा दो यहाँ पे एरो बन गया आपका एरो फंक्शन ठीक है अब डॉलर दिस सॉरी यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट सब्सक्राइब एक मेथड बना रहा हूँ सब्सक्राइब का जो कॉल होगा डेट सेट तो ये आपका हो गया है ओके okay. इसको यहाँ से हटाते हैं यहाँ लगाते हैं ठीक है जी तो यहाँ पे मतलब बहुत सिंपल रहता है इसका फंडा देखो मैं आपको बताता हूँ फंक्शन बनाया आपने इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये चीज़ आपने यूज़ की सपोज़ ठीक है तो इसको आपने हटाना है बस और इसके बाद आपने लगाना है एरो बस बन गया फंक्शन तो यही मैंने नीचे भी किया है ठीक है तो सेव कर लेते हैं अब मुझे क्या करना है जो सब्सक्राइब मेथड है उसको वहां पे क्रिएट करना है तो यहाँ पर किया ये मैंने कॉल और इसमें अब क्या करेंगे गाइस एक नई स्टेट बनाएंगे उसमें नई वैल्यू देंगे तो कैसे नई स्टेट बनाए ये डॉट सेट स्टेट ठीक है ये एक मेथड हमने कॉल किया है यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करूंगा ये इस तरीके से दूंगा और जो मेरा मैसेज था उसे कॉपी करूंगा और मैं मैसेज मैं चेंज कर दूंगा तो इस तरीके से मैं अपनी वैल्यू को चेंज कर पाऊंगा बटन के इवेंट पे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आर यूट्यूब चैनल ठीक है चलो मैं पहले आउटपुट दिखाता हूँ बटन आ गया है क्लिक किया, देख रहे आप? तो इस तरीके से आपने स्टेट की हेल्प से वैल्यू को चेंज कर दिया तो हमने क्या किया गाइज अभी तक हमने सिंपल एक चैनल कॉम्पोनेंट बनाया क्लास कॉम्पोनेंट है हमारा उसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया दिस और वहाँ पे सुपर कीवर्ड को यूज़ किया ताकि जो सुपर कंपोनेंट ताकि जो हमारी पेरेंट क्लास है उसका कॉम्पोनेंट वहाँ पर एक्सेस हो जाए और यहाँ पे सिंपल दिस डॉट स्टेट ऑब्जेक्ट एक्सेस किया जिसमें एक मैसेज मैंने दिया और उसको कैसे एक्सेस किया हमने दिस स्टेट डॉट मैसेज वैल्यू मिल गई फिर एक बटन बनाया उसके ऑन क्लिक पर हमने सिंपल क्या किया दिस डॉट सब्सक्राइब फंक्शन को कॉल किया जो कि ये है दिस डॉट सेट स्टेट क्या किया एक तरीके से एक नई स्टेट है जिसमें आप नई वैल्यू दे रहे हो तो वो ओवर हो जाएगी बटन के क्लिक के बाद ठीक है आई थिंक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है बट अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जो आपका एग कॉम्पोनेंट है जो आपका एप कॉम्पोनेंट है वहाँ पे हमने चैनल को यूज़ कर रखा है तभी वो आपके पेज पे दिख रहा है सो वेल आई थिंक गाइड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टेट का कॉन्सेप्ट एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए और नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक कीवन है मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखिए टेक केयर बाय एंड जय हिंद